1990s में तीन लड़कियों ने डेब्यू किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आयशा झुलका ने डेब्यू किया था, ममता कुलकर्णी ने डेब्यू किया था एंड करिश्मा कपूर ने अपना डेब्यू किया था। तीनों का डेब्यू अर्ली 1990s में हुआ था। करिश्मा कपूर ने जाकर के स्टारडम देखा, करिश्मा कपूर ने बड़ी फिल्में की, करिश्मा कपूर को हिट गाने मिले, करिश्मा कपूर को सुपर हिट गाने मिले, करिश्मा कपूर को ब्लॉकबस्टर गाने मिले, लेकिन ममता कुलकर्णी को या आयशा झुलका को उतने सारे हिट गाने नहीं मिले, उतने सुपर हिट गाने नहीं मिले, उतने ब्लॉकबस्टर गाने नहीं मिले। करिश्मा कपूर ने मल्टीपल बड़ी फिल्में की, मल्टीपल फिल्म्स की बड़ी हीरो के साथ, लेकिन आयशा झुलका और ममता कुलकर्णी को उतनी बड़ी फिल्में, उतने बड़े स्टार्स और सुपरस्टार करने के लिए नहीं मिली, राइट? और इसकी वजह क्या है? अगर जनरल ऑडियंस को आप पूछोगे कि इसकी वजह क्या है, किसी भी जनरेशन में अगर आप 70s की कुछ लड़कियों को उठा लो और एक ऐसी लड़की को उठा लो जो इंडस्ट्री किड रही हो, इंडस्ट्री किड ने अगर स्टारडम देखा हो और उन आउटसाइडर्स ने स्टारडम ना देखा हो, तो जनरल ऑडियंस ये समझती है कि यार इंडस्ट्री किड जो लड़की है उसने बहुत मेहनत की होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर रखी होगी, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रही होगी, इसलिए उसको उसका ड्यू मिल गया। और जो आउटसाइडर लड़कियां हैं उन लड़कियों ने उतनी मेहनत नहीं की होगी, उन लड़कियों ने उतना यू नो बिहेवियर अच्छे रखा होगा, उतनी प्रोफेशनल वो लोग नहीं रही होंगी, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस केस में भी जनरली आदमी ऐसे ही सोचेगा कि यार करिश्मा कपूर ने ज्यादा मेहनत की होगी, करिश्मा ने ज्यादा एफर्ट डाले होंगे, करिश्मा ने ज्यादा अच्छा बिहेवियर रखा होगा, ज्यादा प्रोफेशनल रही होंगी, एंड आयशा झुलका ममता कुलकर्णी उतना अच्छा बिहेवियर नहीं रखी होंगी, उतना उन लोग प्रोफेशनल नहीं रही होंगी, वगैरह वगैरह, राइट? बट ये कंप्लीट झूठ है, ये कंप्लीट झूठ है। मैं इस चीज पे गौर करना चाहता हूँ, इस चीज पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री किड्स के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हीरोइंस, कैसे स्टारडम मैन्युफैक्चर कर जाता है इंडस्ट्री किड्स के लिए, एंड हीरोइंस के लिए स्टारडम मैन्युफैक्चर करना कंपैरेटिवली इजी है, और करिश्मा कपूर का केस ये साबित करता है। लुक, हम सब जानते हैं कि करिश्मा कपूर बबीता जी की बेटी हैं, बबीता ने शादी की थी रणधीर कपूर से, राइट? रणधीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री से हम सब जानते हैं राज कपूर के बेटे हैं, राइट? लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बबीता जी खुद हीरोइन हुआ करती थी। बबीता जी खुद 1960s 1970s में हीरोइन हुआ करती थी, वो इतनी बड़ी टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई। बबीता जी खुद जिसकी बेटी हैं उनका नाम है हरी शिवदसानी जी। हरी शिवदसानी खुद एक इंडस्ट्री किड है, उनके फादर भी कैरेक्टर रोल्स किया करते थे, देन उनके बेटे हरी शिवदसानी भी कैरेक्टर रोल्स किया करते थे। उनकी बेटी बबीता ने हिंदी फिल्म्स में 1960s 1970s में एज अ हीरोइन अपना लगा आजमाया, वो बड़ी स्टार नहीं बनी। लेकिन बबीता और रणधीर कपूर जी के बीच में रिलेशंस थोड़े उनके खराब हुए थे, क्योंकि दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या रणधीर और बबीता की जो बेटी है करिश्मा करीना वो हीरोइंस बनेंगी या नहीं। उस टाइम पे ये प्रथा थी कपूर फैमिली में कि फिल्म उस फिल्म फैमिली में जो लड़के हैं वही सिर्फ हीरो बनेंगे और लड़कियां हीरोइंस नहीं बनेंगी, ऐसा उस फैमिली में प्रथा हुआ करती थी। लेकिन बबीता जी ये चाहती थी कि उनकी बेटियां उतनी बड़ी हीरोइन बने जितनी बड़ी हीरोइन वो खुद नहीं बन पाई, और इसको लेकर के बबीता और रणधीर कपूर के बीच में बहुत फ्रिक्शन रहा। बाद में फ्रिक्शन इतना बढ़ गया कि बबीता ने रणधीर कपूर का घर छोड़ दिया था अपनी दोनों बेटियों को हीरोइन बनाने के लिए। रणधीर कपूर की फैमिली बहुत पावरफुल फिल्म फैमिली है, उन लोगों ने मेक श्योर किया था कपूर फैमिली ने कि करिश्मा को किसी भी तरह से हिंदी फिल्म में ब्रेक ना मिले। बबीता जी साउथ में गई थी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, और वहां पे एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है सुरेश प्रोडक्शंस, और उन सुरेश प्रोडक्शंस वालों ने करिश्मा कपूर को लॉन्च किया था जब करिश्मा कपूर 16 साल की थी। उसके बावजूद करिश्मा कपूर ने कुछ फिल्म्स की, वो फिल्म्स जो मैटर नहीं करती हैं। करिश्मा कपूर की इनिशियल 4-5 फिल्म्स वैसी फिल्म्स थी जो फिल्म्स मैटर नहीं की, और बबीता को ये समझ में आ चुका था कि करिश्मा कपूर के लिए हिंदी फिल्म्स में स्टारडम देखना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन उसके बाद बबीता कपूर ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बाद करिश्मा कपूर स्टार बन गई, और वो दांव क्या था? वो दांव ये था, लुक, बबीता जी बेटी हैं हरी शिवदसानी जी की, और हरी शिवदसानी 1930s 1940s 1950s 1960s में हिंदी फिल्म्स में एक्टिव थे, वो एक एक्टर एक्टर के तौर पे एक्टिव थे इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट? हरी शिवदसानी के बहुत ही पक्के और बहुत ही गाढ़े दोस्त हुआ करते थे सुनील दत्त साहब। इनफैक्ट 1962 में जब इंडिया चाइना की पॉइंट में रिलेशंस में डिफिकल्टी आई थी, उस टाइम पे जब इंडिया चाइना का आई थिंक वॉर भी हुआ था, उस टाइम पे सुनील दत्त की एक ट्रूप कंपनी होती थी, वो ट्रूप कंपनी इंडियन आर्मी का मनोरंजन करने के लिए बॉर्डर पे गई थी, एंड सुनील दत्त ने अपने इंडस्ट्री के बहुत से दोस्तों को उस ट्रूप के थ्रू बॉर्डर पे ले गए थे। उसमें सब के सब लीडिंग सुपरस्टार्स थे एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे एंड सिंगर्स थे। सिर्फ एक कैरेक्टर एक्टर ऐसा था जो सुनील दत्त साहब के साथ इंडिया चाइना वॉर के दौरान इंडियन जो फौजी है उनका हौसला अफजाई करने के लिए गया था, वो कैरेक्टर एक्टर थे हरी शिवदसानी जी, जिनकी बेटी है बबीता। और बबीता को ये पता था कि हरी शिवदसानी जी सुनील दत्त के बहुत ही करीबी थे, बहुत ही गाढ़े दोस्त थे, ये चीज बबीता को पता थी। बबीता ने किया ये, बबीता गई सुनील दत्त साहब के पास। 1980s में सुनील दत्त साहब ने कैरेक्टर एक्टर वाले रोल्स करना शुरू कर दिया था, और उनके बेटे संजय दत्त एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे 1980s में। बबीता जी गई सुनील दत्त के पास, उन्होंने सुनील दत्त को बताया अपनी पूरी प्रॉब्लम, और सुनील दत्त साहब क्योंकि अपने जो उनके जिगरी दोस्त थे हरी शिवदसानी की बेटी को नाराज नहीं कर सकते थे, तो सुनील दत्त ने बबीता से कहा कि वो संजय दत्त के थ्रू किसी ना किसी वे में करिश्मा कपूर को लीडिंग हिंदी फिल्म्स में, मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्म्स में, बड़ी हिंदी फिल्म्स में काम दिलाने की कोशिश करेंगे।
बबीता ऑफकोर्स गई सुनील दत्त के पास और सुनील दत्त ने बबीता की रिक्वेस्ट को समझा, जहां पे उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया कि वो किसी न किसी वे में अपने बेटे को बोल करके करिश्मा को सेटअप करवाएंगे। नाउ सुनील दत्त ने संजय दत्त को बोला कि वो कुछ फिल्म्स में करिश्मा कपूर को एज अ हीरोइन ले लें, राइट। संजय दत्त अपने फादर की बात नहीं टाल सकते थे। संजय दत्त ने एक डायरेक्टर को कहा कि वो करिश्मा कपूर को अपनी फिल्म्स में लगातार काम देना शुरू करें, और वो डायरेक्टर थे डेविड धवन, राइट। अब सवाल ये उठता है कि डेविड धवन संजय दत्त की बात क्यों मानेंगे, राइट। डेविड धवन संजय दत्त की बात मानेंगे, उसका रीजन ये है कि डेविड धवन साहब FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो स्थापित है, वहां से उन्होंने एडिटर का डिप्लोमा का कोर्स किया था। उसके बाद डेविड धवन साहब मुंबई आए थे, वो 10 साल तक मुंबई में खाक छान रहे थे, उनको किसी बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म में भी एज एन एडिटर काम करने का मौका नहीं मिला था। संजय दत्त ने डेविड धवन को अपनी ही 10 फिल्मों में एज एन एडिटर काम करने का मौका दिया था। बाद में डेविड धवन जी की इच्छा बढ़ी, उनको डायरेक्टर के तौर पर काम करना था। संजय दत्त ने अपनी ही फिल्म ताकतवर, जो उनकी फिल्म थी संजय दत्त और गोविंदा की, उस फिल्म में संजय दत्त ने ही डेविड धवन को ब्रेक दिलवाया था। एंड संजय दत्त ने डेविड धवन को रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी फिल्म में करिश्मा कपूर को कंसिडर करना शुरू करें, एंड डेविड धवन की फिल्म में एक रेगुलर हीरोइन बन गई थी करिश्मा कपूर। इनफैक्ट अगर आप डेविड धवन की फिल्म देखोगे 1990 से लेकर के 2002-2003 तक, तो आई थिंक डेविड धवन ने 25 फिल्में उस दौरान बनाई होंगी, 23-25 फिल्में बनाई होंगी, एंड आई थिंक 80% ऑफ दोस फिल्म्स हैव करिश्मा कपूर। उन फिल्म्स में से 80% जितनी फिल्में हैं, अगर 25 फिल्में डेविड धवन ने बनाई थी 1990 से 2005 तक, तो तकरीबन 20-21 फिल्मों में करिश्मा कपूर हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेविड धवन उस दौर पर सिर्फ दो लोगों के साथ फिल्म बना रहे थे, गोविंदा के साथ और सलमान खान के साथ। और करिश्मा कपूर को लगातार गोविंदा के साथ विजिबिलिटी मिली, करिश्मा कपूर को लगातार सलमान खान के साथ विजिबिलिटी मिली, ये चीजें हुई थी, राइट। करिश्मा कपूर ने एक फिल्म की थी अजय देवगन के साथ, फिल्म का नाम आई थिंक था जिगर, वो एक हिट फिल्म थी। ऑल्दो करिश्मा और अजय देवगन की जोड़ी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, वो एक ही फिल्म थी करिश्मा और अजय देवगन की जो हिट हुई थी, और अजय देवगन और करिश्मा कपूर प्रेमी और प्रेमिका बन गए थे। बाद में अजय देवगन ने भी कुछ फिल्म्स में करिश्मा कपूर को रिकमेंड करवाया था, कुछ फिल्म्स चली कुछ फिल्म्स नहीं चली, लेकिन अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जोड़ी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी। लेकिन लोगों ने अजय देवगन, जो कि एक बहुत बड़े स्टार थे फूल और कांटे के बाद, उनके अपोजिट मल्टीपल फिल्म्स में करिश्मा कपूर को देखा था। बाद में अजय और करिश्मा का रिश्ता भी टूट गया, लेकिन अजय के साथ करिश्मा कपूर ने तकरीबन 4 फिल्में की थी। बाद में डेविड धवन की हर फिल्म में, 90s में जितनी भी फिल्म डेविड धवन ने डायरेक्ट की, आई थिंक उन सारी ही फिल्मों में करिश्मा कपूर थी। मे बी दीवाना मस्ताना को आप हटा दो, या यू नो मिस्टर मिसेस खिलाड़ी को आप हटा दो, ऑलमोस्ट सारी फिल्म में करिश्मा कपूर थी डेविड धवन की। करिश्मा कपूर ने मल्टीपल फिल्म गोविंदा के साथ की, करिश्मा कपूर ने मल्टीपल फिल्म सलमान खान के साथ की, करिश्मा कपूर ने कुछ फिल्म संजय दत्त के साथ भी की जहाँ पे वो पैरेलल रोल में थी, यू नो चल मेरे भाई काइंड ऑफ फिल्मों या हसीना मान जाएगी काइंड ऑफ फिल्मों, यू नो इन फिल्म्स में वो संजय दत्त की हीरोइन नहीं थी, लेकिन संजय दत्त उन फिल्म्स में थे, और थोड़ा सा लव एंगल चल मेरे भाई में करिश्मा और संजय दत्त का था, राइट। नाउ यू हैव टू नोटिस कि संजय दत्त सेकंड जनरेशन इनटू द मूवी बिजनेस, सलमान खान सेकंड जनरेशन इनटू द मूवी बिजनेस। संजय दत्त बेटे हैं सुनील दत्त के, संजय दत्त सेकंड जनरेशन है मूवी बिजनेस में, सलमान खान बेटे हैं सलीम खान के, सेकंड जनरेशन इनटू द मूवी बिजनेस, गोविंदा भी सेकंड जनरेशन है इनटू द मूवी बिजनेस। एंड इन तीनों ने मिलकर के, साथ ही साथ अजय देवगन जो कि अगेन सेकंड जनरेशन है इनटू द मूवी बिजनेस, इन चार लोगों को अगर आप देखोगे, संजय दत्त, गोविंदा, सलमान खान और अजय देवगन, इन लोगों ने मिलकर के करिश्मा कपूर को वो स्टारडम दिला दिया, वो बड़ी फिल्में दिला दी, जिसमें करिश्मा कपूर को वो विजिबिलिटी मिल गई, जिससे करिश्मा कपूर लोगों के दिमाग में फिट हो गए कि ओके ये गोविंदा की हीरोइन है, सलमान खान की हीरोइन है, यू नो ये डेविड धवन की फिल्म्स में काम कर रही हैं, ये अजय देवगन की फिल्म्स में काम कर रही हैं, और ये चीजें आयशा झुलका के लिए नहीं हो सकती थी, ये चीजें ममता कुलकर्णी के लिए नहीं हो सकती थी, एंड दैट्स व्हाई आयशा झुलका और ममता कुलकर्णी कभी भी बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती थी। इस एंगल को देखो, इस एंगल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, राइट। डेविड धवन का एंगल, डेविड धवन की मल्टीपल फिल्म्स में करिश्मा कपूर हैं, एंड इस चीज को नोटिस करो, डेविड धवन की फिल्म आई थी स्वर्ग, उसमें जूही चावला हीरोइन थी, डेविड धवन की एक फिल्म आई थी बोल रहा था बोल, उसमें जूही चावला हीरोइन थी, डेविड धवन की एक और फिल्म आई थी अनिल कपूर के साथ जिसमें दो हीरोइंस थी, करिश्मा कपूर एंड जूही चावला, लेकिन बोल रहा था बोल जो उन्होंने लीड किया था जूही चावला के साथ, उसके बाद अंदाज फिल्म जिसमें दोनों थी डेविड धवन की फेवरेट, जूही चावला करिश्मा कपूर, उसके बाद ऑलमोस्ट सारी डेविड धवन डायरेक्टोरियल्स में करिश्मा कपूर होने लगी और जूही चावला सिस्टमैटिकली बाहर हो गए। 90s में आई थिंक फिर सिर्फ दो ही फिल्म की थी अंदाज के बाद जूही चावला ने डेविड धवन के साथ, एक थी दीवाना मस्ताना, अगेन उसमें भी गोविंदा थे डेविड धवन डायरेक्टोरियल, एंड दूसरी फिल्म थी मिस्टर और मिसेस खिलाड़ी जो अक्षय कुमार के साथ जूही चावला ने की थी डेविड धवन डायरेक्टोरियल, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी फिल्म में करिश्मा कपूर थी। एंड इस वे में करिश्मा कपूर के लिए स्टारडम मैन्युफैक्चर किया गया, और ये किया जा सकता है यार, लोगों को लगता है नहीं किया जा सकता, जो मेहनत करते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा है यू नो जो प्रोफेशनल है वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करिश्मा कपूर अकॉर्डिंग टू मी, करिश्मा कपूर इंडियन सिनेमा की नहीं,
वर्ल्ड सिनेमा में करिश्मा कपूर से ज्यादा शायद ही कोई ऐसी हीरोइन होगी जो रोने धोने के सीन्स में करिश्मा से ज्यादा अनोइंग है। करिश्मा कपूर वर्ल्ड सिनेमा की हीरोइंस में एकमात्र ऐसी हीरोइन है जो कि रोने धोने के सीन्स में बहुत ज्यादा अनोइंग है, और वो बहुत ज्यादा ही अनोइंग है। अगर आप शक्ति द पावर फिल्म देखोगे जिसमें नाना पाटेकर का मेन रोल है, उस फिल्म में करिश्मा कपूर को मोस्टली रोना धोना ही होता है। शी इज अनोइंग, वो आपको अनॉय करके रख देती है, वो आपको इरिटेट करके रख देती है। अगर आप एक फिल्म देखोगे हाँ मैंने भी प्यार किया, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर है, फिल्म का जो क्लाइमैक्स है यहाँ पे अभिषेक बच्चन गाना गाते हैं नदवीन श्रवण का ब्लॉकबस्टर गाना, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, उस सीन में अभिषेक बच्चन वो गाना गा रहे होते हैं, अक्षय कुमार करिश्मा की शादी हो रही होती है, करिश्मा दुल्हन के जोड़े में बैठी होती हैं, करिश्मा रो रही होती हैं, एंड एज एन ऑडियंस आप इरिटेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो एज एन ऑडियंस। राजा हिंदुस्तानी का क्लाइमैक्स जहां पे आमिर खान बालकनी में चढ़ के करिश्मा कपूर अपने बेटे को लेकर भाग जाते हैं, करिश्मा कपूर दौड़े दौड़े जाती है सुरेश ओबेरॉय के पास जाती है, बोलती है कि वो आया था, राजा आया था, वो मेरा यू नो बेटा लेके चला गया वगैरह वगैरह। She is annoying. करिश्मा कपूर से ज्यादा annoying रोने धोने के सीन्स में शायद ही कोई लड़की होगी इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। उसके बाद भी करिश्मा कपूर को वो स्टार्ट मिला। अगर आप आयशा झुलका को देखोगे खिलाड़ी फिल्म में, अगर आप आयशा झुलका को देखोगे वक्त हमारा फिल्म में, अगर आप आयशा झुलका को देखोगे जो जीता वही सिकंदर में, यू विल रियलाइज कि शी इज द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स, शी इज द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स। वो लड़कों के सपनों की रानी थी आयशा झुलका, राइट? वो आयशा झुलका के मैनरिज्म थे, वो जो ब्लॉकबस्टर गाना है आई थिंक कौन सी खिलाड़ी फिल्म का है, लड़की है या ना 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 खंबे जैसी खड़ी है, क्या तो गाना था यार याद नहीं आ रहा, कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की, खुद को क्या समझती है इतना करती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की, खंबे जैसी खड़ी है, वो तो आई थिंक आमिर और माधुरी की फिल्म का गाना, आई थिंक दिल का खिलाड़ी फिल्म का गाना है जिसमें आयशा झुलका इन दैट येल्लो सलवार है या स्कर्ट, आई डोंट रिमेम्बर, बट यही वाला गाना है, खुद को क्या समझती है इतना करती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। आयशा झुलका इस एस्पिरेशनल आयशा झुलका आपके दिलों में उतर आती हैं, जो जीता है वही सिकंदर में, जब उनका दिल टूट जाता है, जब वो देख लेती हैं पूजा बेदी और आमिर खान को किस करते हुए, आयशा झुलका का दिल टूट जाता है, एज एन ऑडियंस आपका भी दिल टूट जाता है, और रोने धोने के सीन्स में आपके दिल में उतर आती है आयशा झुलका। लेकिन आयशा झुलका को वो फिल्म्स नहीं मिली, आयशा झुलका को गोविंदा के साथ मल्टीपल फिल्म्स नहीं मिली, आयशा झुलका को सलमान के साथ मल्टीपल फिल्म्स नहीं मिली, आयशा झुलका को डेविड धवन डायरेक्टोरियल में मल्टीपल फिल्म्स नहीं मिली, आयशा झुलका को अजय देवगन के साथ कुछ फिल्म्स नहीं मिली, आयशा झुलका को बैक करने वाला कोई नहीं था, और ये मेजर रीजन है कि आयशा झुलका आगे नहीं बनी। ममता कुलकर्णी कल करण अर्जुन फिल्म में आपके दिल में उतरती है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, राइट? इनफैक्ट एक लड़की जी थी जिसका नाम था, नाम मुझे याद नहीं है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में जो सैफ अली खान की अपोजिट हीरोइन होती है, या आंखें फिल्म में जो गोविंदा की हीरोइन होती है, राइट? वो सारी लड़कियां अच्छी थी। उन फिल्म को जब आप देखते हो बाहर निकलते हो आप जानना चाहते हो कि उन लड़कियों का नाम क्या वगैरह वगैरह। करिश्मा कपूर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, करिश्मा कपूर की इनिशियल चार पांच फिल्म आई थी लाइन से फ्लॉप हुई थी, लेकिन करिश्मा कपूर के पीछे कुछ पावर्स काम कर रहे थे। करिश्मा ने एक फिल्म की थी जागृति नाम की, 91-92 में आई थी, एक और फिल्म की थी निश्चय, दोनों में सलमान खान थे, सलमान खान बीइंग एन इंडस्ट्री किड वांटेड टू मूव अहेड विद अनदर इंडस्ट्री किड। सलमान ने एक फिल्म और की थी आयशा झुलका के साथ 1991 में, लेकिन सलमान डिड नॉट गो अहेड विद आयशा झुलका, सलमान वेंट अहेड विद करिश्मा कपूर। और ये जो पावर जो जोड़ती है सारी फिल्म फैमिलीज को, इस चीज को डिनाय नहीं किया जा सकता, इस चीज को डिनाय नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि हम में से एक के हाथ में पावर रहे। कल को करिश्मा कपूर का अगर कोई बच्चे स्टार बन जाते हैं एंड लेट्स से सलमान खान फैमिली को कोई हेल्प चाहिए, तो करिश्मा कपूर अपने बच्चों को कह के सलमान खान के यू नो वंशजों को कुछ हेल्प करा दें, ये चीज है, इस चीज का कोई डिनाय नहीं है, इस चीज को देखने की कोशिश करो। बबीता जो करिश्मा कपूर की मदर है, उनके जो फादर है हरी शिवदसानी, वो भी इंडस्ट्री से थे, हरी शिवदसानी सुनील दत्त के बहुत गाढ़े दोस्त थे। बबीता जी जो हरी शिवदसानी की बेटी हैं, वो सुनील दत्त के पास गई, उन्होंने सुनील दत्त से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने बेटे जो 90s के बहुत बड़े स्टार थे उनको कह के करिश्मा को कुछ फिल्म दिलाए। संजय दत्त ने अपने ही इंसान, अपने ही आदमी डेविड धवन के थ्रू करिश्मा कपूर को मल्टीपल फिल्म्स दिलाई थी, राइट? डेविड धवन को इंडस्ट्री में एज एन एडिटर ब्रेक भी संजय दत्त ने दिलवाया था, डायरेक्टर ब्रेक भी संजय दत्त ने अपनी फिल्म ताकतवर में दिलवाया था। संजय दत्त का जब वो पूरा कोर्ट केस हुआ था, जब उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद डेविड धवन और संजय दत्त ने मल्टीपल फिल्म साथ में की थी, जोड़ी नंबर वन, एक और 11, हसीना मान जाएगी, चल मेरे भाई वगैरह वगैरह। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये इसलिए है कि डेविड धवन फील्स इंडेटेड, वो संजय दत्त की बात को किसी भी वे में टाल नहीं सकते। डेविड धवन को पता है कि इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना कितना डिफिकल्ट है, संजय दत्त ने एज एन एडिटर डेविड धवन को ब्रेक दिलाया था, एज अ डायरेक्टर ब्रेक दिलाया था, डेविड धवन संजय दत्त की बात को नहीं टाल सकते थे। गोविंदा ने आई थिंक एक फिल्म की थी डेविड धवन के बिना करिश्मा के साथ, दुलारा, वहां पे गोविंदा और करिश्मा की भी दोस्ती हो गई थी, सलमान और करिश्मा की भी दोस्ती हो गई थी जागृति फिल्म में। सलमान खान इंडस्ट्री के ना सेकंड जनरेशन, गोविंदा इंडस्ट्री के ना सेकंड जनरेशन, करिश्मा कपूर राज कपूर की पोती हैं, संजय दत्त इंडस्ट्री किड है, अजय देवगन इंडस्ट्री किड है, इन सब ने रियलाइज किया यार कि हम में से करिश्मा कपूर को आप पुश करो, देयर इज नो पॉइंट पुशिंग ममता कुलकर्णी, देयर इज नो पॉइंट पुशिंग आयशा झुलका और अजय देवगन। सलमान खान ने एक आध फिल्म आयशा झुलका के साथ ममता कुलकर्णी के साथ की थी, करण अर्जुन में सलमान खान की हीरोइन थी ममता कुलकर्णी, राइट? सलमान खान ने किसी भी फिल्म के लिए रिकमेंड नहीं किया,
ममता कुलकर्णी को, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार, यू नो, क्रेडिट टू करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर के पास यार वो एक फेवर था जो उनको मिल गया, राइट, वो इंडस्ट्री किड है, उसकी बदौलत वो स्टार बन गई। आई थिंक जया बच्चन ने एक स्टेज शो पे अनाउंस भी किया था कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की मंगनी होगी, उनकी शादी होगी वगैरह वगैरह, और जया बच्चन ने यह भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 60th बर्थडे पे अभिषेक का ये गिफ्ट है अमिताभ को, राइट, कि ही इज गेटिंग एंगेज्ड टू करिश्मा। उस वक्त करिश्मा कपूर 27-28 साल की थी, उसके बाद किसी भी डायरेक्टर ने करिश्मा कपूर को साइन नहीं किया। करिश्मा कपूर 1974 बॉर्न है, 2004 में वो 30 इयर्स की होने वाली थी, लेकिन 28 इयर्स के बाद करिश्मा कपूर ने किसी फिल्म की शूटिंग नहीं की। उसकी वजह ये है कि करिश्मा कपूर ने अपनी एंगेजमेंट और अपनी मैरिज अनाउंस कर दी थी अभिषेक बच्चन के साथ। इनफैक्ट जया बच्चन ने स्टेज पे अनाउंस किया था कि अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर विल गेट मैरिड, वो शादी बाद में टूट गई थी। किसी डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर ने करिश्मा के साथ को अपनी फिल्म लेना बंद कर दिया था। उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री को तो पता था ना कि करिश्मा के लिए स्टारडम कैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंडस्ट्री को ये बात पता है कि करिश्मा के लिए स्टारडम कैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लड़की जब शादी कर ले रही है यार, तो इंडस्ट्री ये देखती है किसी नई लड़की के लिए आप स्टारडम मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि एनी विच वे यार करिश्मा कपूर को स्टार तो थी नहीं, कोई करिश्मा कपूर का एक्सप्रेशन, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन, वो मैजिक परफॉर्मेंस तो करिश्मा का भी था नहीं, यू नो, वो चुलबुली सी लड़की थी जो गोविंदा और सलमान खान की फिल्म में एज अ प्रॉप यूज होती थी, वैसे प्रॉप यूज होती थी। अगर आप राजा हिंदुस्तानी हटा दो, करिश्मा की कोई भी फिल्म नहीं है जिसमें करिश्मा का एंगल इंपॉर्टेंट है इन द फिल्म। इवन राजा हिंदुस्तानी फिल्म में करिश्मा कपूर फर्स्ट चॉइस नहीं थी, शायद ही कोई फिल्म करिश्मा की ऐसी रही होगी जहां पे करिश्मा कपूर वाज़ द फर्स्ट चॉइस। राजा हिंदुस्तानी फिल्म की भी फर्स्ट चॉइस ऐश्वर्या राय थी, ऐश्वर्या ने वो फिल्म को किया नहीं था, एंड देन मेकर्स वेंट टू करिश्मा कपूर, राइट। और ये कोइंसिडेंस है कि उस फिल्म का डायरेक्टर आई थिंक धर्मेश दर्शन थे, वो भी इंडस्ट्री किड है, वो महेश भट्ट से रिलेटेड है। फिल्म के हीरो आमिर खान थे, वो भी इंडस्ट्री किड है, वो महेश भट्ट से रिलेटेड, सॉरी, वो नासिर हुसैन से रिलेटेड है। And they went ahead with another industry kid, Karishma Kapoor, right? Aisha Jhulka को फिल्म नहीं मिलने वाली थी राजा हिंदुस्तानी, ममता कुलकर्णी को फिल्म नहीं मिलने वाली थी राजा हिंदुस्तानी, राइट? करिश्मा कपूर ने जितनी भी फिल्म्स की हैं, जितनी भी फिल्म्स करिश्मा कपूर ने अजय देवगन के साथ की हैं, 4-5 फिल्म्स करिश्मा ने अजय के साथ की हैं, सलमान के साथ सबसे ज्यादा फिल्म्स करिश्मा ने की, आई थिंक 12 फिल्म्स में वो सलमान की हीरोइन रही हैं, गोविंदा के साथ उन्होंने कम से कम 10 फिल्म्स की हुई हैं, राइट, डेविड धवन के साथ उन्होंने कम से कम 15 फिल्म्स की हुई हैं। उन सारी फिल्म्स में आप आयशा झुलका को डाल दो या ममता कुलकर्णी को डाल दो, फिल्म के नैरेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा झुलका मेरे हिसाब से तो करिश्मा से अच्छा ही काम करेंगे उन फिल्म्स में, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, ऐसा होने नहीं वाला था। और 1993 से लेकर के 2003 तक का वो दौर था जहां पे करिश्मा कपूर को 10 साल का स्टारडम मिल गया, करिश्मा कपूर को इंडस्ट्री ने सिस्टमेटिकली साइडलाइन कर दिया जब अनाउंस हो गया था कि करिश्मा कपूर विल गेट मैरिड टू अभिषेक बच्चन, और उसके बाद किसी ऑडियंस को किसी मीडिया आउटलेट को फर्क ही नहीं था करिश्मा से, बिकॉज अगेन मैजिक तो था नहीं, करिश्मा में मैजिक तो था नहीं, राइट। टेक समवन लाइक रंभा, रंभा कोई खराब हीरोइन नहीं हुआ करती थी यार, क्रोध फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ अगर आप रंभा को देखोगे, या अगर आप जुड़वा 2 में रंभा को आप देखोगे, रंभा कोई खराब हीरोइन नहीं थी बंधन काइंड ऑफ फिल्म में, लेकिन रंभा के लिए चीज नहीं होने थी। रंभा ने इनफैक्ट 2000s में, मिड 2000s में भोजपुरी फिल्म भी की थी अपने सर्वाइवल के लिए, although रंभा ने तमिल फिल्म्स और तेलुगु फिल्म्स में स्टारडम देखा हुआ था, वो आंध्र प्रदेश बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उन्होंने तेलुगु फिल्म्स और तमिल फिल्म्स में बहुत बड़ा स्टारडम देखा था। फिर वो हिंदी फिल्म्स में थे, उन्होंने कुछ हिंदी फिल्म्स भी की थी, घर वाली बाहर वाली, क्रोध, बंधन, यू नो, जुड़वा 2 वगैरह वगैरह, लेकिन उस लेवल का स्टारडम कोई मैन्युफैक्चर नहीं करने वाला, कोई नहीं मैन्युफैक्चर करने वाला किसी के लिए। इंडस्ट्री का होना वो फाइनल पीस ऑफ द पजल, वो बैकिंग आपको विजिबिलिटी दिला सकती है, वो बड़े गाने दिला सकती है, वो बड़ी फिल्म्स दिला सकती है, राइट। हम साथ साथ है फिल्म में जो करिश्मा कपूर का एंगल है यार, वो ममता कुलकर्णी करती क्या फर्क पड़ रहा था, क्या फर्क पड़ रहा था, वो आयशा झुलका कर ली क्या फर्क पड़ रहा था, क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन फर्क पड़ रहा था। फर्क इसलिए पड़ रहा था कि फिल्म में सारे नेपो किड्स भरे हुए थे, राइट। सूरज बढ़ जाते हैं नेपो किड, उस फिल्म का डायरेक्ट कर रहे थे, उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे सलमान खान नेपो किड, उस फिल्म के लीड हीरो थे। मोहनीश बहल नेपो किड उस फिल्म में पैरेलल रोल में थे। सैफ अली खान नेपो किड उस फिल्म में पैरेलल रोल में थे। फिल्म की लीड हीरोइन तब्बू थी नेपो किड अगेन। तो सलमान खान और सारे नेपो किड्स ने मिलकर के सोचा कि एक और नेपो किड को ले लो, एंड करिश्मा कपूर वाज़ ब्रॉट टू द फिल्म, एंड द फिल्म बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, राइट। सूरज बढ़ जाते हैं इंडस्ट्री से, सलमान खान इंडस्ट्री से, मोहनीश बहल इंडस्ट्री से, सैफ अली खान इंडस्ट्री से, तब्बू इंडस्ट्री से, सब लोग उस फिल्म में है। तो उन लोगों ने मिलकर सोचा एक और इंडस्ट्री किड को उस फिल्म में ले लो, एंड करिश्मा कपूर कम्स ऑन बोर्ड हम साथ साथ, राइट। और करिश्मा ने उसके बाद कोई राशि प्रोडक्शन की फिल्म नहीं की, करिश्मा ने उसके पहले कोई राशि प्रोडक्शन की फिल्म नहीं की, बिकॉज करिश्मा राशि प्रोडक्शन की फिल्म के हिसाब से लीड रोल में सब फिट नहीं बैठती, ऑफकोर्स, राइट। And that's the way it works. That's the way it works. यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के लिए स्टारडम मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सोनम कपूर के लिए इसी वे में स्टारडम मैन्युफैक्चर किया गया। सोनाक्षी सिन्हा के लिए अजय देवगन, सलमान खान और अक्षय कुमार ने इसी वे में मिलकर सोनाक्षी को स्टारडम दिलाया। अभी एक फिल्म आ रही है बड़े मियां छोटे मियां, उसमें फिर से अक्षय कुमार ने सोनाक्षी को एक रोल दिया है, राइट। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी टोटल धमाल, उसमें एक आइटम नंबर अजय देवगन ने सोनाक्षी को दिया था, राइट। अजय की एक और फिल्म आई थी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, उसमें अगेन अजय ने सोनाक्षी को ऑनबोर्ड करवाया था, राइट।
अजय देवगन, सलमान खान, अक्षय कुमार ने मिलकर के इसी वे में सोनाक्षी को हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग दिलवाया है। सोनम कपूर सुरेंद्र कपूर की पोती हैं, अनिल कपूर की बेटी हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा लॉन्च उनका इसीलिए हुआ, वरना उनका उनको टीवी सीरियल भी मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती। देन उनको अनीस बज्मी की फिल्म मिली, अनीस बज्मी ने सलमान अनिल कपूर के साथ मल्टीपल फिल्म की, अनिल कपूर के मल्टीपल के बहुत करीबी फ्रेंड है सलमान खान। सलमान खान ने प्रेम रतन धन पायो राशि प्रोडक्शन की फिल्म में सोनम कपूर को ऑनबोर्ड करवाया। प्रेम रतन धन पायो के गाने ब्लॉकबस्टर हैं, किसी भी गाने में सोनम कपूर आपके दिल में नहीं उतरती। प्रेम रतन धन पायो का जो टाइटल ट्रैक है, इट्स अ मैजिकल टाइटल ट्रैक, मैजिकल कोरियोग्राफी। आप सोनम कपूर को नहीं देखते हो, आप बगल के बैकग्राउंड डांसर्स को देखते हो, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर्स ने बेहतरीन काम किया है और सोनम ने वो लटके झटके नहीं लगाए उस गाने में, राइट। परिणीति चोपड़ा को ले लो, प्रियंका चोपड़ा की कजन, मनीष शर्मा वो भी यशराज से जुड़े हुए थे, मनीष शर्मा की प्रेमिका थी परिणीति चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा वेंट हेड विद परिणीति चोपड़ा, राइट। इस वे में दिलाया जा सकता है स्टारडम करिश्मा कपूर के लिए किया गया है। करिश्मा कपूर कोई मैजिक नहीं थी, करिश्मा कपूर के वो एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो अदाएं नहीं थी, वो अंदाज नहीं था, वो चार्म नहीं था, वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं था। राजा हिंदुस्तानी के अलावा जितनी भी फिल्म्स करिश्मा कपूर ने की है, उन सारी फिल्म्स वो एज अ प्रॉप यूज की गई हैं। वो आती हैं हीरो के साथ नोकझोंक करती हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होता है, गाने वाने गाए जाते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है। सिर्फ राजा हिंदुस्तानी एक फिल्म है जहाँ पे करिश्मा कपूर का एंगल था इनटू द फिल्म। उस फिल्म में भी ऐश्वर्या राय बच्चन मेकर्स की फर्स्ट चॉइस थी, ऐश्वर्या वो फिल्म नहीं की। ऑफकोर्स वो मिस वर्ल्ड थी, वो बहुत बड़ी आइकॉन बन गई थी बहुत तेजी से। Makers went ahead with Karishma Kapoor, right? और उसके कुछ साल पहले आमिर खान ने करिश्मा के साथ एक फिल्म की थी अंदाज़ अपना अपना, right? This is the way industry works. इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। आयशा झुलका को भी ये बात ऑफ कोर्स पता होगी, वो इतने साल से इंडस्ट्री में, ममता कुलकर्णी यू नो इंडस्ट्री छोड़ चुकी है, 10-15 साल हो गए, उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, लेकिन इस समय इंडस्ट्री चलती है। आयशा झुलका, ममता कुलकर्णी, करिश्मा कपूर, इन तीनों लड़कियों का डेब्यू 90s में हुआ था। आयशा झुलका और ममता कुलकर्णी में लोगों का इंटरेस्ट था उस टाइम में। स्टारडस मैगजीन, फिल्मफेयर मैगजीन कवर कर रही थी आयशा झुलका ममता कुलकर्णी को, बट वो मैजिक तो तभी आपको बरकरार रहेगा जब उस टाइप की फिल्म्स आपको मिलेंगी, वो गाने आपको मिलेंगे, और वो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। वो आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी आउटसाइडर को काम नहीं मिलता, राइट। माधुरी दीक्षित एक रैंक आउटसाइडर है, वो सुपरस्टार बनी है हिंदी फिल्म्स में, राइट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार अगर तीन लड़कियां सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट, सबका स्क्रीन प्रेजेंस बराबर है, सबकी पर्सनैलिटी बराबर है, सबके एक्सप्रेशन बराबर है, तो भी ये ब्रेकर नहीं होता कि यार कौन इस चीज में एक्स में ज्यादा अच्छा उसको काम मिलेगा, वैसा नहीं होता। डिपेंड इस बात पर करता है कि भाई आपको बैक कौन कर रहा है, राइट। संजय दत्त करिश्मा कपूर के लिए दांव खेल गया, राइट। बबीता कपूर ने उस एंगल को एक्सप्लोर कर लिया था कि हरीश देसाई जी के बहुत करीबी थे सुनील दत्त। बबीता वेंट टू सुनील दत्त, सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को कहा, संजय दत्त बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने डेविड धवन को ब्रेक दिलवाया था एज एन एक्टर एज एन डायरेक्टर। डेविड धवन ने ऑनबोर्ड कर लिया था करिश्मा कपूर को अपनी ऑलमोस्ट हर फिल्म के लिए, राइट। अजय देवगन की प्रेमिका हुआ करती थी, अजय देवगन के साथ उन्होंने 4-5 फिल्म्स की, अजय देवगन बहुत बड़े स्टार थे, राइट। गोविंदा सलमान खान से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, राइट। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। ये 10 साल के लिए काफी है यार, ये 10 साल के लिए काफी है। आज भी कोई हीरोइन यार अगर किसी ऐसे प्रोलिफिक डायरेक्टर के साथ, रोहित शेट्टी के साथ मल्टीपल फिल्म्स पे देखी जाती है, राइट, सलमान के साथ 3 फिल्म कर ले, अजय के साथ 2 फिल्म कर ले, अक्षय के साथ 2 फिल्म कर ले, यू नो एक फिल्म लेट्स से वरुण के साथ कर ले, एक फिल्म रणबीर कपूर के साथ कर ले, उस लड़की ने 7-8 साल का स्टारडम देख लिया, वो काफी है, वो काफी है, राइट। 2003 के बाद 2 ही फिल्म करिश्मा की रिलीज हुई थी, आई थिंक एक बास फिल्म रिलीज हुई थी 2003 में, वो भी डिलेड फिल्म थी, 2006 में फिल्म रिलीज हुई थी मेरे जीवन साथी, वो दोनों फिल्म 2000 में शूट हो गई थी और डिले होते होते 2003 और 2006 में रिलीज हुई थी। किसी भी इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री के किसी भी बंदे ने करिश्मा को काम नहीं दी, बिकॉज इंडस्ट्री को तो पता था कि करिश्मा को कैसे स्टार बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री के बाद पता थी और इंडस्ट्री को पता है यार आप ऐसे किसी भी लड़की को स्टार बना सकते हो। इंडस्ट्री वांटेड टू मूव फॉरवर्ड, पर इंडस्ट्री ने करिश्मा को साइडलाइन कर दिया। करिश्मा कम बैक भी हुआ 2012 में, जब श्रीदेवी का कम बैक हुआ था इंग्लिश में करिश्मा कम बैक था डेंजरस इश्क में, किसी को इंटरेस्ट नहीं था करिश्मा के कम बैक से, और तब से लेकर आज तक करिश्मा ने आई डोंट थिंक किसी भी फिल्म में काम किया है। उनका वेब सीरीज शायद कोई आया था मेंटल हुआ, आई डोंट नो, ऐसा कुछ वेब सीरीज था, ऑल्ट बालाजी ऐप पे आया था। इंडस्ट्री में स्टारडम मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, स्पेशली लीड हीरोइन के लिए। अगर आप बड़े स्टार या सुपरस्टार्स की मल्टीपल फिल्म्स में हीरोइन बन जाओ और किसी ठीक ठाक डायरेक्टर के साथ आप मल्टीपल फिल्म्स कर जाओ, आपको बड़े गाने मिल जाए, दैट्स मोर देन इनफ लोग आपको स्टार मान लेंगे, क्योंकि आपके ऐसे मैजिकल गाने हैं, आप बड़े हीरोज के साथ देखी जा रही हो इन दो फिल्म्स। 7-8 साल के स्टारडम के लिए काफी है। सोनाक्षी सिन्हा को इसी वे में सो कॉल्ड स्टारडम दिलाया गया है, सोनम कपूर को इसी वे में सो कॉल्ड स्टारडम दिलाया गया, परिणीति चोपड़ा को इसी वे में सो कॉल्ड स्टार बनाया गया है, करिश्मा कपूर को भी इसी वे में सो कॉल्ड स्टार बनाया गया। दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। इस चीज से मैटर नहीं करता कि कौन कितना अच्छा बिहेवियर रखेगा, कौन कितना मेहनती है, या कौन कितना प्रोफेशनल है, कौन कितने ऑडिशंस दे रहा है, वगैरह वगैरह, राइट। इस झूठ को पुश किया जाता है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, वगैरह वगैरह। द फाइनल पीस ऑफ द पजल इज बैकिंग। करिश्मा के पास वो बैकिंग थी और करिश्मा की ऑनस्क्रीन पर्सनालिटी वाज डीसेंट, उनको 10 साल का स्टारडम मिल गया। आयशा झुलका करिश्मा से बेटर थी मेरे हिसाब से, ममता कुलकर्णी करिश्मा से अगर अच्छी नहीं थी तो करिश्मा से बुरी भी नहीं थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों के पास बैकिंग नहीं थी, उन दोनों को कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर बैक करने को तैयार नहीं था। बैकिंग तो है ना, सलमान खान ने अपनी प्रेमिका कैटरीना कैफ को बैक किया ही था, राइट। अक्षय ने अपनी प्रेमिका प्रियंका को बैक किया ही था, शाहरुख ने अपनी प्रेमिका प्रियंका को बैक किया ही था, सलमान ने ऐश्वर्या राय बच्चन को बैक किया था जब वो लोग साथ में थे।
तो इस समय तो चीजें आगे बढ़ती हैं, इस चीज का तो कोई डिनाइल नहीं है, इस चीज का तो कोई डिनाइल नहीं है यार। रामगोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर के लिंकअप रूमर्स थे उस टाइम पे। रामगोपाल वर्मा की ऑलमोस्ट हर फिल्म में उर्मिला होती थी, रंगीला में उर्मिला थी, कौन में उर्मिला थी, सत्या में उर्मिला थी, भूत में उर्मिला थी, राइट। रामगोपाल वर्मा की आग में उर्मिला का एक आइटम नंबर भी था, महबूबा महबूबा, राइट। तो ये चीजें होती है इंडस्ट्री में, चीजें होती है, राइट। और दैट्स इट वर्क्स। आयशा झुलकर और ममता कुलकर्णी किसी की प्रेमिका नहीं थी, इंडस्ट्री की नहीं थी, तो उनके लिए बात नहीं बन सकती, राइट। और आगे भी ऐसा ही होगा, राइट। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, राइट। चलो बाय।